मधुबनी जिले के नगर परिषद झंझारपुर में आज शनिवार की अहले सुबह उस समय कोलाहल मच गया जब परतापुर के निकट कमला नदी के बीच धार में एक काले रंग की कार पानी में डूबे होने की लोगों को जानकारी हुई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कमला नदी के पूर्वी तटबंध पर परतापुर घाट के समीप पहुंच गए। स्थानीय लोग किसी अप्रिय घटना की आशंका या फिर शराब तस्करी के शक में स्थानीय पुलिस को कमला नदी में एक कार डूबने की जानकारी दी। मौके पर पुलिस की डायल 112 नंबर के वाहन दलबल के साथ पहुंची, फिर जेसीबी मशीन की मदद से पानी में डूबे कार को बाहर निकाला गया। पानी में डूबे कार में किसी व्यक्ति के नहीं होने या फिर शराब नहीं मिलने पर सभी ने एक साथ राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि अहले सुबह 3:30 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार कार कमला नदी के पूर्वी तटबंध से नीचे लुढ़क कर नदी की धारा में पहुंच गई। गनीमत रही कि इसमें किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के घंटों बाद आज पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई। आपको बता दें कि इसी तरह से 2 दिन पूर्व मधुबनी जिले के अंधरामठ थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो वाहन सड़क किनारे एक तालाब में जा गिरी थी। पानी में डूबे उस चार पहिया वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ था। उस घटना को लेकर बताया गया कि नेपाल से स्कॉर्पियो में शराब तस्करी कर लाया जा रहा था। तेज रफ्तार की वजह से चालक का नियंत्रण खो गया और स्कॉर्पियो वाहन सड़क किनारे तालाब में पहुंच गई। चालक और तस्कर दोनों फरार हो गए थे। ताजा घटना भी कुछ इसी तरह की प्रतीत होती नजर आने लगी। हालांकि इस घटना में नदी से बाहर निकाले गए कार से शराब की बरामदगी नहीं हुई। दुर्घटनाग्रस्त कार का ओनर मौके पर मौजूद था। कार का ओनर ने बताया कि झंझारपुर से दरभंगा जाने के क्रम में तटबंध पर गड्ढे की वजह से कार नीचे लुढ़क गई, लेकिन स्थानीय लोग दुर्घटनाग्रस्त कार के चालक और मालिक के दलित से संतुष्ट नहीं दिखे। लोगों का मानना है कि 3:30 बजे झंझारपुर से दरभंगा जाने के लिए मुख्य सड़क को छोड़कर तटबंध वाला खतरनाक रास्ता क्यों चुना गया, जबकि ये मार्ग न सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षित है बल्कि तस्करी सहित आपराधिक गतिविधियों को लेकर बदनाम है। बहरहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। झंझारपुर से संवाददाता हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी हम दुकान पर से ले जा रहे थे मामा के पास, मामा को लाने के लिए। कहाँ जा रहे थे? सर तो बाइक। अच्छा, उसी क्रम में जो है तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, नीचे अभी चला गया कमला धार। क्या बजे घटना आई? 3:30-4 के बीच में, 3:30-4 के बीच में। कितने लोग घायल हुए हैं? कोई नहीं, हम अकेले थे। अब अकेले थे? जा रहे थे मामा गांव। अच्छा, छह रहते हुए। हाँ। तो उस टाइम जो है फोन आया, हल्का जो है सो बाया गाड़ी जो है सो चपाया, उसके बाद बैलेंस बिगड़ा, छह के अंदर चला गया। मामा गांव जा रहे थे मामा को लाने के लिए। हाँ। उसी क्रम में। कितने बजे? 3:30 बजे करीब में, सुबह में। हाँ, सुबह में ये घटना। मामा क्या करते हैं? मामा डॉक्टर है। अच्छा, किस काम से जा रहे थे आप नानी को? एक बच्चा को चमकी बीमारी है, उसके लिए जो है उनको लाने के लिए जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलाराई झंझारपुर से जा रहे थे मामा गांव। अच्छा, छह रहते हुए। हाँ। तो उस टाइम जो है फोन आया, हल्का जो है सो बाया गाड़ी जो है सो चपाया, उसके बाद बैलेंस बिगड़ा, छह के अंदर चला गया। मामा गांव जा रहे थे मामा को लाने के लिए। हाँ। उसी क्रम में। कितने बजे? 3:30 बजे करीब में, सुबह में। हाँ, सुबह में ये घटना। मामा क्या करते हैं? मामा डॉक्टर है। अच्छा, किस काम से जा रहे थे आप नानी को? एक बच्चा को चमकी बीमारी है, उसके लिए जो है उनको लाने के लिए जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलाराई झंझारपुर।